काश मेरे पास भी मोटर गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बड़ा घर होता, काश मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते, काश मैं भी दूर यात्रा करता और साथ में मौज मस्तियां करता और ढेर सारे अच्छे काम करता, अच्छे पुण्य का काम करता साथ में और सभी का भला करता। ऐसा सोचना साथियों सभी का काम है। करीब करीब दुनिया में जितने भी मानव हैं, अगर वो सजीव हैं, दिमाग से ठीक हैं और सब कुछ उनका अच्छा है तो ये बातें जरूर सोचते हैं। लेकिन सोचने से ही होता तो दुनिया में सभी लोग सचिन तेंदुलकर बन जाते, सभी लोग मिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाते, सभी लोग डॉक्टर भाभा बन जाते, सभी लोग अमिताभ बच्चन बन जाते और सभी लोग लता मंगेशकर बन जाते और सभी लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाते, सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते अगर सोचने से होता तो। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, सोचना जरूरी है। सोचो, खूब सोचो, सोचोगे तभी क्रिएटिविटी बनेगी, तभी आपका बॉडी आपका साथ देगा, तभी आपका माइंड साथ देगा कि हमें करना क्या है। लेकिन सोचने के साथ उस स्वर्णिम काल का इंतजार मत करो, उस गोल्डन पीरियड का इंतजार बिल्कुल मत करो जो सोच रहे हो कि आज नहीं कल मेरे पास आएगा और उस दिन मैं शुभ काम स्टार्ट करूंगा तभी मेरी तरक्की होगी। कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वर्णिम काल तो अभी भी चल रहा है साथियों, गोल्डन पीरियड आज भी है, अभी भी है, कभी भी सोचो और स्टार्ट कर दो। वो काम स्टार्ट करो जो तुम प्रवीण हो, जिसमें तुम सोच रहे हो कि आगे बढ़ सकते हो। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं बना साथियों जिसको इंसान कर नहीं सकता। अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी है, रेगुलर प्रयास है, रेगुलर कुछ करके बनाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और उसमें डेली प्रयासरत हो तो वो काम दूर नहीं जो तुमको हेल्प न करे। डेफिनेटली एक न एक दिन उसमें तुम स्मार्ट बन जाओगे और स्मार्ट बनने के बाद उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे और दुनिया में बड़ा नाम कर पाओगे। कोई भी उठा के देख लो, कोई भी इंसान का चरित्र चित्रण पढ़ो, उसकी जीवनी पढ़ो, आपको सदैव एक ही बात याद आएगी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। रोज, हर रोज अगर कोई भी काम किया जाए तो एक दिन वो काम आसान हो जाएगा और उसी काम में आप प्रगति कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहे कोई भी ले लो, बैग बनाने से लेके, जूता बनाने से लेके, बेल्ट बनाने से लेके, टीवी बनाने से लेके, मोबाइल बनाने से लेके, एसी बनाने से लेके, फ्रिज बनाने से लेके, मोटर बाइक बनाने से लेके, कार बनाने से लेके, ट्रक बनाने से लेके, या कोई रबड़ का सामान, या कोई प्लास्टिक का सामान, या कोई गाड़ी का सामान, या खाने पीने का सामान, कौन से क्षेत्र में हमें एक आदमी बता दीजिए जो करोड़पति न हो। हेयर कटिंग जैसे मामूली काम को भी किसी ने वो भी अपना चार्टर्ड प्लेन खरीद रखा है, यानी हेयर कटिंग सोच लो, जो कि एक ऐसा ही काम माना जाता है। तो जूता बनाने में भी लोग आगे हैं, टीवी बनाने में भी आगे हैं और साथ में खाना बनाने में भी आगे हैं। किसी भी काम में चले जाओ साथियों, सब लोग बहुत तरक्की पे हैं और हम बुझे रहते हैं, हम सही वक्त का इंतजार करते हैं। सही वक्त होता क्या है ये तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। शनिवार को बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, रविवार को बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, वीरवार को, शुक्रवार को, या बुधवार को, या सोमवार को, या मंगलवार को, सब दिन बढ़िया काम हो रहा है, सब दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब दिन गवर्नमेंट कमा रही है, सब दिन इंसान करोड़पति कमा रहे हैं। हम क्यों अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा दिन कौन सा होता है मेरी नज़रों में आज तक समझ में नहीं आया साथियों। मैं बार बार कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि उस स्वर्णिम काल का इंतजार बिल्कुल मत करो, आप स्टार्टअप करो और उसमें लगातार बने रहो कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन ऐसा आएगा कि यही काम आपको आसमान की बुलंदियों पे उठाकर रख देगा और आप अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे। थैंक यू साथियों, अगली ऑडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। काश मेरे पास भी मोटर गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बड़ा घर होता, काश मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते।